जी 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 एमएसडी साहब, एमएसडी साहब आप माइक ऑन अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ भाई, हाँ एमएसडी साहब, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप कैसे हो भाई? बढ़िया भाई। जी भाई, आप नॉन मुस्लिम हैं? या जी भाई, आपने यस आज के स्ट्रीम का टाइटल आपने देखा होगी, या आप देखा हिंदू है या क्रिश्चियन है या फिर ह्यूमैनिटेरियन है, हिंदू कौन है आप? हिंदू हिंदू है आप, सनातनी? माशाल्लाह। हिंदू हिंदू जी भाई, आप अभी बताइए कि हाउ इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम? आई थिंक इट्स बेटर देन इस्लाम। आप जी, कैसा? बता दें कि आपका धर्म कैसे बेहतर है, फिर हम बता देंगे नहीं, आपको। बताना बताना आपको है एमएससी भाई, बताना आपको है ना। हम आप ही हम तो से यहाँ पर पूछ रहे हैं, आप ही आपको, बता दो। हमारे पास कास्ट सिस्टम नहीं है भाई, आपके पास कास्ट सिस्टम है। ये एक सिंपल एक एग्जांपल है बेसिक। अच्छा, इससे बेहतर और खराब हो जाता ना। हाँ, अगर जस्टिस इक्वली जस्टिस ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा इस शूद्र ब्राह्मण को, तो फिर आपके अंदर लूप होल्स है, तो आपके सिस्टम जो है वो उसमें छेद है आपके रिलीजन में। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। आप वैसे अगर आप कास्ट ब्राह्मण या सिस्टम शूद्र, थोड़ा, आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं वैसे भाई? हम यादव हैं। आप यादव है? यादव मतलब शूद्र? नो कौन सी जाति में आते हैं आप? शूद्रा में आते हैं, वैश्या में आते हैं यादव? शुद्रम नहीं आते, वैश्यम नहीं आते, हिंदू शूद्रा में में नहीं आते हैं आते। जी। तो शूद्रा के, जी शूद्र, शूद्रा में अगर आप देखेंगे तो मनुस्मृति अगर आप पढ़ेंगे तो ये ट्रीटमेंट होगा आपके आपके लिए, कि अगर आप कोई ब्राह्मण को अगर आप कुछ सिखाना सिखाने की कोशिश करेंगे उसके ड्यूटीज, तो आपके कान और मुंह में जलता हुआ तेल डाल देंगे गरम गरम। ओहो, मनुस्मृति ऐसा चैप्टर कुछ नहीं 8 वर्स नंबर होता। 272 ऐसा कुछ नहीं होता भाई। लिखा हुआ है भाई। रिलीजन नहीं होता, बहुत अच्छी बात है। आज नहीं हो रहा है, आप रिलीजन को नहीं मान रहे नहीं हैं। हो रहा हिंदू हिंदू लोग जितने हैं वो समझदार हो गए और बोल रहे हैं कि हमारे ग्रंथों में जो लिखा है बकवास लिखा है, हम उसको नहीं मानते, अभी हम उसको छोड़ रहे हैं। ऐसा हम अगर आप बोले ये नहीं कि बोलें तो बहुत बकवास अच्छी बात लिखा है। हुआ हाँ, है, ऐसा हम कभी अगर बोले आप ये नहीं फिर बकवास बकवास नहीं है लिखा तो हुआ अगर है। फिर इसको, जी तो ये क्या लिखा है फिर, आप मुझे बताइए। आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस, देख पा रहा हूँ। जी, अच्छा, तो आप इसके बारे में, एमएसडी भाई ये बताइएगा कि आपके हाँ पूर्वज, पूर्वज जारी बात है, जातिवाद तो उधर से ही आया है। हो सकता है आपके पूर्वजों का किसी ब्राह्मण ने गर्म तेल फेंका हो, को वाक्या सुना है कभी फैमिली में कोई इस तरह का वाक्या पीछे? नहीं, ना तो वो किसी, हो सकता है बताया ना ना हो, किसी पे फेंका होगा उन्होंने पीछे, इसीलिए तो रूल बनाया हुआ है। ना ना, नहीं, ऐसा नहीं कुछ किया? नहीं है, ठीक है, ठीक है। ऐसा हुआ ही नहीं है भाई। आप समझते हैं कि यहाँ पर हिंदू राज अगर इंडिया में आ जाता है, हमारे पास हिंदुस्तान में, तो मनुस्मृति का कानून लागू होगा, तो ये तो आपके ऊपर गर्म तेल फेंकेंगे और आपको तल के ग्रिल कर देंगे। अरे ना, ऐसा नहीं होता नहीं, आप ऐसे करते रह जाओगे, वो आपको। उठा के ले जाएंगे भैया, आपसे पूछ के करेंगे वो, अरे वहां कुछ होता भैया, नहीं। अरे भैया, क्या बोले हम आपको, ऐसा मेरी नहीं होता। नहीं मेरी भाई, बात सुनो। कानून लिखा है, मिसाल के तौर पर एक लॉ हाँ, इंप्लीमेंट किया जाता है, मनुस्मृति लॉ है। आप बोलते रहोगे अरे नहीं भैया, आप स्लो स्लो उनको कहते रहोगे अरे नहीं भैया, वो उठाएंगे गाड़ी में फेंकेंगे, बड़े कढ़ाई के अंदर फेंक देंगे अंदर तेल में, आप बोलते रहो नहीं भैया। अच्छा, तो फिर मेरे से जो नीचे जात का, तो मेरे को तो वही करना चाहिए ना आपके अकॉर्डिंग। ऐसा तो हम करते नहीं है। नहीं ना, आपको तो ऑर्डर नहीं है ना, ये तो ऊंची जाति वाली को है, आपको तो ऑर्डर नहीं है। नहीं, मैं भी सेम वैसे ही जात से आता हूँ, मेरे नीचे भी बहुत सारे हैं, ऐसा तो हम बिहेव करते नहीं है। नहीं, तो आपका रूल नहीं है ना, आप दिखा दें किसी जगह पर लिखा हो कि शूद्र अपनी निचली जाति से ऐसे कर सकता है। आपको तो राइट ही कोई नहीं दिया गया, आपको तो बोलने का है ही नहीं, आप तो, आप अपनी जुबान काट लो, बोलने का फायदा नहीं है मनुस्मृति के साथ। हाँ, सही बात है ना। आप आपके अनुसार वो हाँ सही है, बट मेरे अनुसार वो सही नहीं है। आप उसको सही मान लोगे, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल एमएसडी भाई, देखिए, हम यही बोल रहे हैं एमएसडी भाई, कि आप जैसे हम ये समझदार, आप बोल, जैसे वन समझ, मिनट हाँ जी, एक मिनट सुनिए, आप जैसे समझदार लोग के नजदीक वो सही नहीं है, हम यही बोल रहे हैं। हमारे नजदीक भी वो सही नहीं है जो मनुस्मृति में लिखा है, पुराणास में लिखा है, वाल्मीकि रामायण में लिखे, वेद में लिखा, तो हमारे एक नजदीक वो भी, वन वो सही मिनट नहीं है।
आप मुसलमान आप ये सब चीजों को रिजेक्ट हो, करते हैं, मनुस्मृति पुराणास को रिजेक्ट करते हैं आप? नहीं नहीं मैं पुराना उसको ना रिजेक्ट कर सकता, ना इतना मेरे में पावर है कि मैं किसी का जो भी वो लिखा हो वो मेरे से ज्यादा ज्ञानी होगा इसीलिए वो लिखे हैं। अब जी आप राम जी अब राम 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 के भक्त हैं आप, राम जी के भक्त हैं आप? हाँ ऐसा नहीं है मैं किसी पार्टिकुलर कोई एक सब भगवान का भक्त हूँ, मैं सबको भक्त हूँ, ऐसा नहीं कि मैं राम का ही भक्त, ऐसा नहीं है। हाँ अगर आप जी बोलोगे कि आप राम के भी हो देन हाँ हूँ। जी तो आप गॉड किसको मानते हैं आपके रिलीजन में, आपके गॉड कौन है, राम है या कोई और है? ऐसा कहीं गॉड किसको मानते हो, अगर आप ऐसा पूछोगे कि आप मैं पूछता किन किन को तो बहुत सारे हैं, ठीक है ठीक है, उसमें से एक राम जी है। हाँ ऐसा आप बोल सकते हो। टॉप पे कौन सा सबसे तगड़ा कौन सा है, स्ट्रॉन्ग टॉप वाला? पे नहीं, इधर कोई कंपटीशन नहीं चलता भाई कि टॉप पे वो हैं तो नीचे हैं, ऐसा नहीं चलता भाई। नहीं सैम भाई आप कंपटीशन तो हुआ है ना, सैम भाई बता देंगे कैसे आपको। हाँ होगा बता हाँ दें फिर वो बता बता देंगे देंगे आपको, मैं। देख ले सुन ले, हाँ कंपटीशन हुआ है आप कंपटीशन हुआ है ना भाई, क्योंकि देखिए ब्रह्मा ब्रह्मा जो है विष्णु विष्णु जी से मुठभेड़ हो गई थी उनकी बातचीत में। ब्रह्मा बोलते हैं कि मैंने सारी सृष्टि का कल्याण किया है, मैंने सृष्टि को बनाया है। तो विष्णु जी बोलते हैं कि आप इतना क्यों एरोगेंट हो रहे हैं, आप तो मेरी नाभि में से ही निकले ना पैदा होकर, तो मैंने आपको बनाया, आप मेरी नाभि में से निकले, तो इतना घमंड क्यों? तो दोनों में मुठभेड़ हुई। तो अपने आपको ऊंचा और नीचा बता रहा है ना, यहाँ गॉड खुद बता रहे हैं एक दूसरे को। जी भैया तो देखिए क्या बड़ा कहिए, छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा गॉड है, इंद्र को आप भगवान मानते, इंद्र और राम एक ही है? जी मैं पूछ रहा हूँ, इंद्र भगवान और राम भगवान एक ही है क्या आपके नजदीक? वो इक्वल ट्रीट करते हैं आप दोनों को, इक्वल गॉड्स है? अगर या दोनों गॉड्स हैं सो इक्वल और नॉन इक्वल कुछ नहीं होता हाँ एज अगर आप हाँ जी ओके मैं बताता हूँ आपको, इंद्र भगवान की कहीं मंदिर देखे आप, नहीं राम राम जी की मंदिर देखे आप? क्यों ऐसा, इंद्र भगवान को कोई पूछता क्यों नहीं है और राम जी को सब कुछ सबको सब पूछते हैं, नहीं नहीं देखिए कोई डिफरेंस आप होगा ना? मंदिर नो 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 आप मंदिर का बात कीजिए कि मंदिर नहीं लेकिन पूछते हैं दोनों को पूछते हैं, ठीक है हाँ मैं पूछते हैं तो दिखता भी है ना भाई, जब राम मंदिर है हमारे सामने, तो गणेश नहीं की नहीं मंदिर है, हनुमान की ऐसा मंदिर है, दुर्गा ऐसा की मंदिर, ये सुनिए सब की सुनिए मंदिर है। मैं आपको जवाब देता हूँ, मैं आपको जवाब देता हूँ एमएस हाँ जी भाई, ओके ओके इसीलिए ओके इसीलिए नहीं पूछते क्योंकि उनको श्राप था कि वो ऐसे कुछ काम कर्म कर गए थे अपनी जिंदगी में। अहल्या के साथ क्या हुआ था, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है ना कि इंद्र भगवान एक ऋषि का, आई एक नो ऋषि गौतम का जी, उनका भेष बदल कर इंद्रा के घर गए और उनके साथ आई संभोग नो किए आई जब बाहर नो निकल। हाँ तो आप राम जी बताइए, राम जी ऐसा कभी कुछ कर्म किए है? नहीं किए ना, नो तो ऊंचा नो नीचा छोटा बड़ा है, इसीलिए इसीलिए इंद्र भगवान को कोई पूछता नहीं है। ऐसा ब्रह्मा नहीं का है मंदिर क्यों नहीं है, नहीं 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 विष्णु जी का मंदिर, विष्णु जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर एक्चुअली क्यों नहीं है? कहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है भाई, अगर आपको नहीं पता पर है? तो हाँ हाँ बताइए राजस्थान मुझे में, कहाँ। राजस्थान हाँ में है भाई। एक ही मंदिर है, ठीक है, हाँ तो क्या यहाँ पे अगर एक ही मंदिर इक्वलाइजर है। कर नहीं नहीं अगर किसी को इक्वलाइजर करना है कि नहीं मेरा भी इतना होगा तो क्यों नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता भाई नहीं नहीं हिंदू नहीं धर्म में। एक रेगुलर बेस पे, एक रेगुलर बेस पे नहीं करते ब्रह्मा जी की इबादत और इंद्र जी की इबादत, क्योंकि इनके जो कर्म थे ना वो ठीक नहीं थे, उनके चरित्र जो थे वो ठीक नहीं थे, इस वजह से उनकी इबादत नहीं करते लोग। नहीं नहीं शिव जी ने एक्चुअली शिव जी आप ने शिव जी ने शिव जी ने पुराणस में आता है, शिव जी ने ब्रह्मा जी का एक सर काट दिया था, पता है ना आपको? बोलिए मेरे क्यों को काटा सब था और कैसा पता काटा? क्यों, क्योंकि वो दोनों अगर इक्वल है तो एक का सिर कैसा काट सकता है कोई? भाई। देखिए जो तो इक्वल इक्वल तो एमएस है जी भाई ही सिंपल 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 यही चीज है भाई कि आपके गॉड जो है ना ये छोटे बड़े हैं, अगर आप इनको इक्वल मानना चाह रहे हैं वो आपका लुकआउट है, पर आपके ग्रंथ नहीं ये नहीं 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 बताते नहीं नहीं कोई छोटा है कोई बड़ा आप है। वो आपका मानना है कि वो छोटे बड़े हैं, कोई भी हिंदू से पूछ लो अगर ग्रंथ बोल बोल दे रहे कि हैं वो छोटे बड़े नहीं नहीं हाँ, फिर वही बात हो रहा ना भाई, आप पूछ लीजिए एमएस जी भाई, कोई एमएस भी जी भाई हिंदू आप पूछ लीजिए, आप पूछ लीजिए कोई आपके भाई दोस्त बंधु से किसी से भी पूछ लीजिए जो पढ़ा लिखा है, ऐसे ही कोई क्रिकेटर विकेटर नहीं, हाँ कोई अच्छा पढ़ा लिखा है उससे पूछ लीजिए आप कि
कि ब्रह्मा सेम है और शिवा सेम है, क्या पूछ लीजिए या सब सब बोलेंगे सेम है, मेरे को पता है। नहीं है मेरे भाई, आप थोड़ा पढ़ लीजिए वैसे। अरे भाई वैसे एक मिनट एक मिनट एक मिनट एम एस जी भाई, ओके एक मिनट भाई, आप ये बोल रहे हैं कि जी सेम नहीं है, आप ऐसा सोचते हो भाई, आप मुस्लिम हो इसलिए सोचते हो, हिंदू नहीं हो ना भाई। नहीं भाई, हम हिंदू से, जो मेरा भाई, है एम एस जी भाई, हम हिंदू, आप मानिए, आप अच्छी बात है, आप मान रहे हैं, नो प्रॉब्लम भाई, आप सब सबको इक्वल बताइए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बता रहे हैं आपको ग्रंथों से, आपके ग्रंथ में ऊपर नीचे दर्जा है इनका, और हमारे जितने पास स्कॉलर्स आते हैं, हम जितने लोगों से बात करते हैं ना, वो कभी अच्छा, नहीं बोले कि हम ब्रह्मा को और शिवा को इक्वल मानते हैं। लिखा हुआ, आहा, कौन से ग्रंथ में लिखा कि एक पे इंद्र, वो है, दो पे वो है, तीन पे है, हमें भी बता दें, हम भी देख लेंगे। नहीं, एक पे है नीचे, मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये एग्जाम्पल देकर बता रहा हूँ कि लोग नहीं मानते हैं इक्वल, आज तक किसी ने नहीं बोला कि ब्रह्मा और शिवा इक्वल है, और उनके जो रूल्स और रेगुलेशन, जो जो इनके कर्म है ना, वो भी बड़े ही अलग है। ब्रह्मा जी कई बार अपना सीमेंट ड्रॉप कर दिए है, ब्रह्मा जी सुनिए सुनिए सुनिए, ब्रह्मा जी कई लोगों के ऊपर लस्ट किए है, कई लड़कियों के ऊपर बुरी नजर रखे है, सरस्वती उनकी लड़की जो उनके अंग से पैदा हुई थी, उनकी बेटी ब्रह्मा जी सरस्वती, उसके ऊपर बुरी नजर रखे, और उसके बाद में शादी कर, और पुराणों में आता है कि दिन रात सेक्स में इन्वॉल्व थे, तो ऐसा कोई राम जी ने कभी किया है नहीं किया है ना। कौन से पुराण में लिखा हुआ है कि वो सेक्स में इन्वॉल्व है, दिखा दे। ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण होता है, लिसन लिसन, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं अगर मान लेंगे, मैं बता दूं तो मान लेंगे जी। सचिन भाई यहाँ पर देखिए, ब्रह्म वैवर्त पुराण कृष्ण जन्म खंडा चैप्टर नंबर 35 वर्स नंबर 8-20, इसमें लिखा है कि ब्रह्मा स्पॉटेड विद सरस्वती डे एंड नाइट एंड वॉज ऑब्जर्व इन सेक्सुअल एंजॉयमेंट। मैं कौन सा बुक है बात बता दे, मैं खुद अपने, मेरे पास जो बुक है मैं उसमें देख लूंगा। ब्रह्मा वैवर्त पुराण कृष्ण जन्म खंडा, मैं बुक देख लूंगा। तो अभी तो आप मानते ना, आप पहले एक मिनट सचिन भाई, आपने ये बताया था कि मैं अगर आपको रेफरेंस बताऊंगा तो आप मान लेंगे बोल रहे हैं, अभी आप बोल रहे हैं कि आप, मैं घर में बुक है मैं देखकर बताऊंगा। ओके, ये तो आप, आई डिडंट बिलीव इन योर रेफरेंस, ओके, आई बिलीव इन माय बुक्स, ओके, सो आई, तो फिर आप, या चलिए ओके ठीक है, चलिए आई रेस्पेक्ट योर ओपिनियन ब्रदर, ठीक है, आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप क्रॉस चेक कर लीजिए भाई, आपको पता चलेगा, बहुत बहुत शुक्रिया एमएसडी भाई, आप आए। ओके।